तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक न्यू वीडियो पे, और आप सभी को फिर से जय श्री राम। और कल रात मुझे हाईवे पे कहीं ढाबा वगैरह नहीं मिल रहा था, तो एक भैया ने मुझे अपने घर पे आसरा दिया रुकने के लिए, खाना वाना खिलाया। उसके बाद उसके घर से अभी जस्ट मैं इधर आया, अभी उधर वीडियो नहीं बनाया तो हम सोचे भूल गए थे, और अभी बनाने के लिए। तो इधर का हरियाली मुझे गाँव का बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहे चारों तरफ हरियाली हरियाली है। मतलब कितने अच्छे ये लोग अपना खेती वगैरह कर रहे हैं, देख रहे सब जितना सारा गेहूँ है उधर बड़ा बड़ा जो दिख रहा है सब सरसों है। सरसों और गेहूँ का खेती इधर बहुत ही ज़्यादा हो जाए, जिधर भी देख रहे थे गेहूँ का सरसों का खेती वगैरह लगा हुआ है। और आज सुबह सुबह से मतलब रात से ही मतलब बारिश हो रहा है, तो सुबह मुझे लेट हो गया, 8 बज गया। अभी अभी 8 बजे निकला है, 2 घंटा मतलब 3 घंटा लेट निकले हुए हैं। फिलहाल देखते हैं आज का कितना दूर तक जा पाएंगे आज शाम को, उसके बाद कुछ दिन बाद पहुँच ही जाएंगे। सामने मतलब है ज़्यादा नहीं है, 150 किलोमीटर और है मेरे लिए, और बाकी इतना तो चल ही चुके हैं, तो 150 मीटर और क्यों नहीं, थोड़ा थोड़ा करते करते चल ही जाएंगे। देखते हैं 3-4 दिन जो भी लगेगा पहुँचना है, उसके बाद दर्शन करेंगे राम जी का। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे रह के, और बहुत सेवा दिया इन लोगों ने, भाई लोगों ने। और यहाँ से मुझे निकलना है, इधर गांव होते हुए जाएंगे, इस जो गांव देख रहे हैं गांव होते हुए जाएंगे हम। गांव होते हुए एक सीधा हाईवे, आगे हाईवे रूट जो है निकलता है इधर से, मतलब 1 किलोमीटर मुझे पीछे जाना पड़ता, तो मैं सोचा कि क्यों ना गांव होते हुए निकल जाएंगे, वही रूट वहां से निकल रहा है, तो गांव होते हुए निकल जाएंगे रूट, तो मेरा थोड़ा कम दूरी पड़ेगा, इसलिए हम सोचे गाँव गाँव थोड़ा निकल जाते, अच्छा भी लगेगा, थोड़ा गाँव भी घूम लेते हैं। दर्शन तो राम जी का कर रहे, पर होता है कि अगर हम चले हैं रास्ते में तो कहीं घुस ले गांव में घूम ले तो अच्छा लगता है दूसरों का, कि अपना गांव तो हमेशा घूमना है ही है, और घूम ही लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इधर का हरियाली मुझे देख के, तो चलिए आगे तो चलते रहते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को मजा लीजिए, और यात्रा चलते रहते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला तो और अच्छे जल्दी से पहुँचेंगे। तो चलिए जय श्री राम आप सभी को, वीडियो पर आप लोग बने रहिए और दबा के शेयर कीजिए, देरी मत कीजिए शेयर करने में, क्योंकि हम झारखंड के लड़के और धनबाद के पहला लड़का है जो अयोध्या के लिए निकले हैं पैदल यात्रा में, पूरे धनबाद क्षेत्र के जितना भी है झारखंड के, मतलब अभी तक तो कोई ऐसा नहीं निकला है पैदल यात्रा, अभी तक तो नहीं मिला झारखंड से और ना धनबाद से निकला है, पहला लड़का हम ही है जो निकले हैं, अभी तक तो किसी ऐसा न्यूज़ नहीं आया है। देखते हैं शायद कोई निकल जाए तो और बढ़िया रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, वीडियो पर बने रहिए आप लोग तब तक। तो गाइस अभी बदलापुर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे अभी मुझे रुकने का मौका मिला है, देख सकते हैं इस जगह पे, और यहीं पर मतलब रात रुकेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे, और कल सुल्तानपुर मुझे पहुंचना है, वहाँ से राइट लेके मुझे अयोध्या के लिए निकलना है। तो फिलहाल अभी हम तो सोचे बगल में मंदिर, तो वहाँ पर रुकेंगे, तो भैया ने बताया कि आप यहाँ पर रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रुकने के लिए जगह है, मैंने देखा तो बोर्ड में लिखा हुआ था। तो चलिए आज विश्राम वगैरह यहीं पर करते हैं, थोड़ा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद सोएंगे। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।